जी उस फिल्म के बारे में जरा बताएं कि वो फिल्म कब तक शुरू होने वाली है। वो भी फिल्म साइको सैया भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा उसका। अभी तो मेरा भारत महान चल रहा है, उसके बाद साइको सैया का शेड्यूल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल विचार बताया गया होगा। अभी नहीं बताया गया है मुझे उसका तो अभी हम नहीं बता सकते, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अच्छा, डिंपल सिंह किसकी हीरोइन है, पवन सिंह की, रितेश पांडे की, ये तो कम से कम पता होगा। डिंपल सिंह ना पवन सिंह की है ना ही रितेश पांडे की है, लेकिन किसी एक की जरूर होगी। और अच्छा, वो भी नहीं बताएंगे, वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा आपको। मतलब आपको ऑफिशियली बताया गया होगा कि फिल्म कब से शुरू होने वाली है। मेरा भारत महान के पास शायद शूट शुरू हो सकता है। हाँ हाँ, उसके बाद शूट स्टार्ट है और ये इलाहाबाद में शायद शूट होगा। अच्छा, उसके जो वीडियो आए थे, फोटो आए थे, हालांकि मैं तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन बड़ा मजा आया मुझे देखकर। आपको मजा आया? हमको काफी मजा आया, हम पवन जी के साथ काम भी किए हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, मेरे फेवरेट हैं, आप सबके फेवरेट हैं, तो मजा आया। और भगवान के दया और आप लोगों के आशीर्वाद से जल्दी स्टार्ट हो जाए फिल्म। सो जब ये फिल्म में हम दोनों साथ आएंगे तो आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। वैसे तो गाने में सब लोग काफ़ी पसंद किए हैं, फिल्म में कितना पसंद करते हैं ये देखना। अच्छा, गाना तो बड़ा हिट हुआ भाई, सुपर डुपर हिट हुआ, बड़े रिकॉर्ड तोड़े, फिल्म से उससे ज़्यादा उम्मीदें कर रही होंगी शायद। हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे उस गाने से, ज़्यादा उम्मीद फिल्म के लिए है। और फिल्म में भी काफ़ी सॉन्ग है हमारे पवन जी के साथ और सीन्स भी बहुत अच्छे हैं। तो खास तैयारी की जा रही है फिल्म को लेकर, भाई बड़ी फिल्म है, बड़े स्टार्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे सारे चैनल वाले डाल रखे हैं, न्यूज़ वाले, मेरा भारत महान, उससे भी बड़े लेवल पे ये पिक्चर बन रही है जो कि आप सबको देखने को मिलेगा। मनीष जी, यस सर, आप डिंपल जी के बारे में डिंपल जी के साथ तो हम लोग बहुत वक्त हो गया जुड़ के, लेकिन काम करने का मौका इस फिल्म में मिला है और अच्छा लगा काम करके। मतलब आगे भी करेंगे, आगे कर रहे हैं, कर रहे हैं। और इनकी जैसे कि एक खासियत है डांस तो हम लोग सालों से देखते जा रहे हैं, इसमें एक्टिंग इन्होंने बहुत खतरनाक किया हुआ है। मतलब बहुत प्यारे प्यारे सीन हैं इनके, मतलब डांस के बाद हम लोग अभिनय के लिए भी डिफरेंट, राइट, मजा आएगा लोगों को इस फिल्म में। इनका एक चुलबुली, एक नटखट। अच्छा, मेरे को जो भी पिक्चर मिल रही है वो चुलबुली नटखट का, ये एक और पिक्चर जो मैंने साइन किया जैसा कि आप नाम लिया, उसमें भी मैं छेड़ी रही हूँ हीरो को ऐसा क्यों आपको मजा आता है को छेड़ने के लिए? बड़ा जिगरा है मेरे पास, यस, छेड़ो, ये अच्छी बात है ना। मुहूर्त के बाद मिले भी थे घर पे और इसके बारे में बहुत सारी तैयारियां चल रही है जो कि अभी नहीं बता सकती आप लोग को। मैं रितेश जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं रितेश जी के साथ 2015 में एल्बम की थी जब मैं स्टार्ट की थी अपना कैरियर, तो रितेश जी से काफ़ी लंबे समय से हमारा जान पहचान है। रितेश जी बहुत अच्छे हैं बतौर हीरोइन, बतौर अभिनेत्री, जब पर्दे पर आ रही हैं पवन जी के साथ और फिल्म में रितेश जी भी होंगे, हमारे मित्र खेसारी लाल यादव उनके साथ फिल्म का क्या स्टेटस है? उनके साथ फिल्म का क्या है, अभी देखिए अभी जो आया है उसको करके और रिलीज हो जाए तो वही बेस्ट है। अभी नहीं बता सकते कि कब आएगा उनके साथ, क्योंकि अपने लाइन में बहुत ज़्यादा राजनीति है, कब कहाँ कैसे चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। राजनीति तो शायद हर चीज़ में, राजनीति में शायद सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ज़्यादा है सब। हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि अगर हीरोइन अगर दूसरे हीरो के पास चले, अपने मिले तो सब बढ़िया है, हाँ जी, हाँ जी भैया, जी हाँ जी, अगर हीरोइन चली गई तो अरे भैया एंटिक है ये, मत करिए काम इसके साथ, मतलब दूसरे ग्रुप की है ये, करेगी तो भैया अरे मत करिए ना भैया, हीरो अच्छे हैं सब, लेकिन जो इर्द गिर्द वाले हैं वो लोग बोलेंगे अरे भैया मत जाइए, मत करिए इसके साथ, कि आप अगर करेंगे इसके साथ तो उसको जाके ये बताइए, बट ऐसा कुछ नहीं, अपने भाईचारा अगर रख रहे हैं आप लोग तो हम लोग ही काम करेंगे, हम लोग किसी के बंधुआ नहीं, हम लोग बिंदास हैं, जैसा कि बिंदास भोजपुरिया पाप को देख रहे हैं। तो सबके ग्रुप में डिंपल सिंह का अपना ग्रुप है या फिर डिंपल सिंह किसी और के ग्रुप में है? मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ना ही मैं किसी के ग्रुप में हूँ, मैं बिंदास हूँ और मैं बिंदास हर किसी के साथ काम करती हूँ। तो अब काफी आपने बड़ा नाम बना दिया है दोनों में और फिल्मों में भी है, बड़ा नाम तो बन ही चुका है डिंपल सिंह का, तो कम से कम ग्रुप तो हो सकता है ना? नहीं, ग्रुप बना
ग्रुप में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ग्रुप अगर बनेगा तो दूसरे लोग काम नहीं कर पाएंगे। सो मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं जिसके साथ करती हूँ वही मेरा ग्रुप है। कभी किसी ग्रुप की शिकार हुई नहीं? ग्रुप की शिकार हुई नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ कि अगर अरे उसके उधर चली गई तो मैडम मेरे साथ काम नहीं करेंगे, भैया कीजिएगा मत उसके ग्रुप की, ये वाला सीन है। तो नुकसान तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री को हो रहा है। हाँ, और क्या, हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हम किसी के पास काम मांगने जाते हैं, ना ही मुझे काम की जरूरत है उतना। जैसा कि अपने टैलेंट पे मुझे भरोसा है, मैंने वहाँ थिएटर भी किया था दिल्ली से, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कलाकारों की इज्जत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ऐसे कि कोई भी आ जाए कोई भी कर ले। मनीष जी सही बोल रही हूँ ना, एक्टिंग का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने जितना भी देखा है कि कोई भी आउट किया जाता है आपको दिखाएगा, अगर ज़्यादा बोली हूँ तो सॉरी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सही बात है, कहीं ना कहीं सही। लेकिन आप ज्यादा बोल रहे हैं या नहीं वो खैर अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो लड़कों को बोलने भी नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि मर्दों की लॉबी हावी है। अब चार दिन पहले ही अक्षरा जी होती हुई लाइव आई थी कि भाई मेरे को मेरा गाना नहीं चलने दिया जा रहा है, मेरा ब्रेड एंड बटर छीना जा रहा है, मर्दों की लॉबी इकट्ठी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का गाना कोई नहीं रोकता है। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है डिजिटल के बारे में, रिपोर्ट मारने से किसी का गाना नहीं बंद होता। अगर बंद होता तो हम लोग बहुत बड़े बड़े स्टार, हिंदी के स्टारों का गाना रिलीज होता है तो रिपोर्ट मार के आराम से बंद करवा सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिपोर्ट मारने से होता, जहाँ तक मैं जानती हूँ। फिलहाल इस पर हम एक डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे डिजिटल विक्की यादव जी के साथ, और उनसे जरूर पूछेंगे कि भाई क्या रिपोर्ट मारने से। यस यस, ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं विक्की यादव जी से कि रिपोर्ट मारने से कुछ नहीं होता। अगर रिपोर्ट मारने से होता तो हम लोग किसी को चलने ही नहीं देते। राइट, हम लोग किसी को नहीं चलने देते। अगर रिपोर्ट मारने से तो भैया हम आगे रहेंगे, आपका गाना हम बंद करवाएंगे रिपोर्ट मारने से, ऐसा कुछ नहीं है। तब फिर अक्षरा जी क्यों रो रही थी? अब हमें नहीं पता वो क्यों रो रही थी। कम से कम एक लड़की जो की रो रही है, अकेली है, उसे अगर इस इंडस्ट्री की लड़कियां साथ नहीं देंगी तो फिर कौन उसका साथ देगा? आप कोर्स देंगी साथ उनके, उनको मतलब इंडस्ट्री की लड़की सारी देंगी, अगर सब कौन सही है कौन गलत है, बट रिपोर्ट मारने से तो कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है उनको शायद कोई कान में भर दिया हो, या फिर कोई बताया हो, भड़काया हो कि आपको रिपोर्ट मारने से ऐसा कुछ होता है, बट रिपोर्ट मारने से कुछ नहीं होता जहाँ तक मैं जानती हूँ। बाकी रोने की बात है, अगर हाँ अगर ऐसा हुआ कि नहीं अकेले हैं वो, तो आपको खड़े रहेंगे हम लोग जरूर। जिन्होंने आपका इंटरव्यू देखा, जिन्होंने आपकी बेबाकी को देखा, जिन्होंने आपके सारी बातों को आपको जवाब देते हुए बिना डरे, बिना कुछ इस तरफ उस तरफ सोचे, ना इसकी ना उसकी ना किसी और की, सिर्फ डिंपल की, उन्हें कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में बोलूँगी तो ये मुझे काम से निकालेंगे, इनके बारे में बोलूँगी ये मुझे काम से निकालेंगे, मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बलबूते पे हूँ। और हाँ, जो चैनल आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है बिंदास भोजपुरी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही हम लोग का इंटरव्यू देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, और आप लोगों को शुक्रिया, दोनों धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।